एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। चेन्नई समेत तमिलनाडु के उत्तरी जिलों में हो रही भारी बारिश के बीच अब राज्य पर चक्रवात तूफान का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में लो प्रेशर बना हुआ है जो कि अगले 24 घंटों में डिप्रेशन में बदल सकता है और इसके उत्तर की ओर पहुंचते ही सेंट्रल तमिलनाडु समेत तटीय जिलों और दक्षिण आंध्र के तटीय इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। पहले मूसलाधार बारिश और अब चक्रवाती तूफान का खतरा तमिलनाडु पर अगले दो दिन भारी पड़ने वाले हैं, खासकर राजधानी चेन्नई पर जो पहले से ही बाढ़ बारिश की मार से बेहाल है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ घंटे में बंगाल की घाटी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इसको देखते हुए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में अगले दो दिन भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। तूफान में मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी, इसलिए मछुआरों को जल्द से जल्द तट पर लौटने के लिए कहा गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मरीना बीच पे। इस वक्त मौसम का अपडेट ये है कि अभी तक बारिश से त्रस्त इस राज्य में, इस शहर में अब साइक्लोन का खतरा आ गया है, इसलिए हम आपके पास ये तस्वीरें लेकर के आए हैं मरीना बीच पे। आप देख सकते हैं कि आमतौर पे काफ़ी लोग जहां होते हैं आज लोग यहां पे उनको अनुमति नहीं है आने की, और कारण क्या बताया जा रहा है साइक्लोन का, हम आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल बंगाल की खाड़ी में, खासतौर से जो दक्षिण पूर्व में हिस्सा है, वहाँ पर निम्न दबाव यानी कि लो प्रेशर बन रहा है। ऐसे में ये लो प्रेशर अगले 24 घंटे में डिप्रेशन में बदल सकता है, ऐसी संभावना है। यह लो प्रेशर लगातार उत्तर दिशा में बढ़ रहा है, जिसके चलते जैसे ही ये तमिलनाडु और बाकी जो तटीय क्षेत्र हैं वहां से टकराएगा तो एक तूफान की स्थिति आएगी, जिससे जोरदार बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। On 10th, we are expecting, in case if this low pressure is becoming depression and moves to the north, then Chennai city might receive heavy to very heavy, possible there, with extreme heavy possibilities also there. चेन्नई में पिछले दो दिन में 20 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश हुई है। हालात 2015 के बाढ़ जैसे बन रहे हैं। सड़कों पर नाव चल रही है, कई कॉलोनियां जलमग्न हैं, घरों में पानी घुस चुका है। SDRF और NDRF की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। हम जहां पे अभी मौजूद हैं, ये है के नगर और हमारे सामने ये एक सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, यानी कि अगर आपको जाना है तो यहां से हो करके जाना होगा। आप देखिए लोग यहीं से ही निकल रहे हैं किस तरह से एक एक करके, और अंदर हम आपको बता दें कि रिहैबिलिटेशन सेंटर भी है दिव्यांग लोगों के लिए, और अंदर सुविधाएं जो हैं वो कितनी पहुंच पा रही हैं ये भी लोग बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं हो पा रही क्योंकि पानी काफ़ी है। और आप हमारे सामने देखिए कि किस तरह से जो मरीज हैं उनको जाना पड़ रहा है। चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए तमिलनाडु और पुडुचेरी में शैक्षिक संस्थानों को भी अगले दो दिन तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। चेन्नई में नगर निगम ने जमा पानी को हटाने के लिए 500 जगहों पर पंप सेट लगाए हैं। ड्रेनेज सिस्टम की सफाई की जा रही है ताकि बारिश का पानी जल्द से जल्द शहर से बाहर निकल जाए। कि यहाँ पे आपको एक JCB दिखाई देगी जिसके जरिए पानी निकालने की कोशिश हो रही है। दरअसल यहाँ एक नाला है, एक सीवेज है, ड्रेनेज है, जहाँ पे कि वो ब्लॉक हो चुका था। अब JCB के जरिए इसे निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि ये साफ हो, तो पानी जो है यहाँ से बड़े नाले की तरफ जा पाए। समस्या यही होती है शहरों की बाढ़ में, ज्यादातर यही होता है कि सीवेज सिस्टम में अगर अव्यवस्था होती है तो पानी शहर में भरा का भरा रह जाता है, पानी उतरना मुश्किल हो जाता है। चेन्नई में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 160 राहत कैंप बनाए गए हैं। इसके अलावा लोगों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री स्टालिन खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी न्यूज भी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के लोगों से सतर्क रहने की अपील करता है। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले, और अगर निकले भी तो मौसम की जानकारी जरूर ले लें।
तो हमारी सहयोगी निवेदिता की आपने ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखी, आइए उनसे ही ज्यादा जानकारी ले लेते हैं कि अभी क्या हालात हैं। हमारी सहयोगी निवेदिता हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। निवेदिता, दो सवाल हैं। पहला तो ये कि क्योंकि अभी भी आप उसी जगह पर मौजूद हैं, अभी की क्या स्थिति है, मौसम वैज्ञानिकों का क्या कहना है, और दूसरा ये कि अब चक्रवाती तूफान का भी खतरा है, इस खतरे को कम किया जा सके, इसके लिए क्या इंतजाम है ताकि लोगों को भी सुरक्षित रखा जा सके और इससे नुकसान भी ना हो। जी देखिए जी, आप बाढ़ के साथ साथ चक्रवाती तूफान और साथ ही साथ एक खतरा और भी है कोरोना का, जिसको लेकर के भी सतर्क रहने की बातें की जा रही हैं और अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। लेकिन हम सबसे पहले आपको यहाँ के हालात दिखा देते हैं। अभी हम मौजूद हैं अशोकनगर में। अशोकनगर की अगर आप तस्वीरें देखें तो किस तरह से लोगों का आना जाना हो रहा है, जो रोज के काम है वो किस तरह से हो रहा है, वो हम आपको तस्वीरों के जरिए ही दिखा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं और आपको तस्वीरों के जरिए दिख रहा होगा कि लोगों को किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। रोज का काम करने के लिए जाना है, लोग अपनी नौकरी के लिए जा रहे हैं। शुक्र एक ही चीज का है, लोगों का कहना है कि बच्चों को बाहर नहीं निकलना पड़ रहा है क्योंकि लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। ज्यादातर जो इलाके ऐसे जो निचले हिस्से में है, वहां पे स्थिति अभी यही है कि पानी उतर नहीं रहा है। अभी भी पानी का, सबसे पहले आप देखिए कि पानी कितना गंदा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पानी उतरता भी है, बाढ़ की स्थिति अगर यहाँ से परेशानी हटती भी है, लेकिन साथ ही साथ ये परेशानी आ सकती है कि लोग बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं क्योंकि पानी बहुत गंदा है, पिछले 3 दिन से ठहरा हुआ है। अब आप देखिए कि जो घर हैं उनके क्या हालात हैं। पार्किंग लेवल में सभी घरों में पानी घुसा हुआ है। जो लोग जिनके ग्राउंड फ्लोर यानी कि भूतल पे पानी आ चुका है, वो लोग अपने पहले फ्लोर पे जाकर के रह रहे हैं। कई लोग इलाका छोड़ के भी जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, लोग सामान लेकर के अपने अपने घरों से भी निकल रहे हैं। और ये पूरा एरिया अगर आप देखें, आप पूरा इलाका देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी यहाँ पे हालात क्या हैं। और सबसे बड़ी बात यह जो कि जो सुविधाएं होती हैं, जो कि बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रही हैं, क्योंकि आसपास आप अगर देखें तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल सेंटर्स हैं, वहाँ तक भी जाना लोगों का मुश्किल हो रहा है। आप देखिए लोग सामान बांध बांध करके इन इलाकों से निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रहना रोज़ की मशक्क़त है। अगर आपको कुछ भी चाहिए, आपको इतने पानी में पैदल जाना पड़ेगा, पानी में चलना बेहद मुश्किल हो रहा है। और ख़ासतौर से जो वृद्धजन है या फिर बच्चों को कहीं लेकर के जाना है, उसमें सबसे बड़ी परेशानी हो रही है। आप पानी का लेवल क्या, आप हमारे सामने जो कार है आप ज़रा देखिए, वो वहाँ पर ठहरी हुई है। ज़्यादातर गाड़ियाँ यहाँ पर पानी की वजह से खराब हो गई है, घरों में पानी घुसा हुआ है, लोग अब दूसरी जगहों पे जा रहे हैं। कल हमने कई लोगों से बात की, उनका ये कहना था कि हम स्कूलों में रुके हुए हैं, हम राहत शिविरों में रुके हुए हैं, और सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त ये भी है। और खुद मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी ये बात बोली है कि जो राहत शिविर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने की वजह से कोरोना की समस्या ना बढ़ जाए, इसका भी पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि लोग इस वक्त सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए परेशान हैं कि उनको जो बेसिक सुविधाएँ हैं, मूल सुविधाएँ हैं, वो मिल पाएँ। और सबसे बड़ी समस्या एक और भी है कि अगर सरकारी राहत ना पहुँचे तो लोगों को तमाम चीज़ों की मार झेलनी पड़ती है। एक तरफ बाढ़ है, लेकिन क्योंकि राहत सरकारी नहीं पहुँच रही है तो लोग खुद ही सामान खरीद रहे हैं। और ऐसे बाढ़ के हालात में कई लोग जो सामान है, रोज की चीजें हैं, जरूरी चीजें हैं, उनको डबल डबल दामों में बेच रहे हैं, महंगी हो गई है चीजें। ऐसे इलाके जो अशोकनगर, के नगर जैसे इलाके जो कि निचले हिस्से में है, वहां पे लोगों को ना सिर्फ सामान लेने के लिए बहुत मशक्कत, बाढ़ बारिश की वजह से लोगों को परेशानी तो हो ही रही है, और अब खतरा चक्रवाती तूफान का भी है। ऐसे में मौसम विभाग ने भी कह दिया है कि 2 से 3 दिन बिल्कुल राहत नहीं मिल सकती, ऐसे में खतरा और बढ़ेगा, प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है। निवेदिता, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। ABP News आपको रखे आगे।